बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मौजूद मेहमान सियालकोट से तशरीफ लाए हैं मोहतरम जनाब यूसुफ लाहौरी साहब। आपसे जानते हैं कि आप मुतअद्दद बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। दारुल फलाह की पूरी टीम के जो इंतज़ामात होते हैं उनको इन्होंने कैसा पाया और आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह साल से बरसा बरस से दारुल फलाह के प्लेटफार्म से अपना मादरी ज़मीर लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद यहाँ हाज़िरी होती है, पूरा साल इस प्रोग्राम के असरात अपने जिस्म और अपने वजूद पे महसूस करता रहता हूँ और 20वीं मरतबा साल के अंदर दारुल फलाह के प्रोग्राम का जिक्र मजालिस के अंदर, दुरूस के अंदर और मुख्तलिफ खुतबात के अंदर होता रहता है। यहाँ आके बड़ा इत्मीनान महसूस करते हैं और दिल से बहुत ज़्यादा दुआएँ मुंतज़मीन के लिए, भाइयों के लिए निकलती हैं और उन दुआओं में से खसूसी दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला इन्हें हासिदीन के हसद से बचाए, अल्लाह ताला इन्हें नज़रबाज़ से महफूज रखें। और दूसरी दुआ हमेशा जो मेरी ज़ुबान पर रही वो ये है कि अल्लाह ताला इनके इस सिलसिले को ता क़यामत जो है वो जारी और सारी रखें। तो बस यही अल्फाज है मेरे दारुल फलाह के हवाले से। सर, खासा मुश्किल होता है मस्जिद से बाहर एक ऐसी जगह पर इंतज़ाम करना और मुसलसिल पूरा महीना, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मस्जिद में हमारे चूँकि मसालक की पाबंदियाँ हैं, दूसरे मसलक का बंदा इस मसलक में नहीं जा सकता, इस मसलक का बंदा उस मसलक की मस्जिद में नहीं जा सकता, तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं इस जगह की, इस तरह की जगहों पे इसके क्या पॉजिटिव असरात आप देखते हैं? यकीनन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप अगर खुले मैदान के अंदर या किसी ऐसी पब्लिक मुकामात पर प्रोग्राम रखते हैं कि जहाँ किसी को आने में कोई झिझक नहीं होती तो उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। बल्कि इससे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि आप जहाँ भी प्रोग्राम करवाएं तो असल बुनियाद होती है कि जो काम करने वाले हैं उनके अंदर इखलास और तकवा कितना है। प्रोग्राम तो पूरे पाकिस्तान में ही हम करते हैं, होते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जहाँ अहबाब के अंदर इखलास और तकवा हो, जहाँ भी भाई इखलास और तकवे की बुनियाद पर काम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बड़ी खैर और भलाई अता फरमाते हैं। हमने जो महसूस किया है और हमने जो देखा है उसमें से ज़्यादातर बात यह है कि मुंतज़मीन के दिलों में बड़ा इखलास है और ख़ुसूसी इखलास ये है कि अहलुल इल्म जो हैं उनका ये बड़ा इकराम और बड़ा एहतराम करते हैं। ये उसकी बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ रश भी ज़्यादा होता है और हर साल लोगों के अंदर तब्दीलियाँ भी हम ज़्यादा देखते हैं। अल्लाह ताला मुंतज़मीन के लिए ये जो सिलसिला है सदका जारिया बना दे जी। सर, हमारी टीम दारुल फलाह कसूर उसके लिए कोई नसीहत फरमा दें। हाँ जी, पहली नसीहत उनके लिए ये है कि आप मेरी इस नसीहत पे अगर अमल कर लें तो अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत और काविशों को बहुत ज़्यादा बुलंदी पे ले जाएंगे। नसीहत यह है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला किया करें, कि जो लोग भी सीरत का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करते हैं तबलीग के मैदान के अंदर वो बहुत ज़्यादा मुअस्सिर हो जाते हैं। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने अंदर जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित अलैहि सलातो वसलाम के लोगों के सामने आप ख़ुद एक अमली नमूना बने, आप किरदार के जो है मुबल्लिग और दाई बने कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसलाम ने लोगों के सामने तबलीग और दावत से पहले अपना अमल पेश किया था, 40 साल ज़िंदगी के रिकॉर्ड को पेश किया था। और तीसरी बात यह कि हर वक्त अल्लाह ताला से अपने इखलास की दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें बार बार ये जो अंदर की होती है ना सफाई, इसकी बार बार उसकी ज़रूरत होती है, तो बार बार अल्लाह ताला से अपनी नीयत और अपने इखलास की हवाले से, तहारत के हवाले से वो दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला आपकी भलाई कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।